सो गाइस, आज हम अनबॉक्स करने वाले क्वार्की को। एक रोबोट है एंड हमें ये इसमें कोडिंग करनी होती है बटबॉक्स के साथ। सो अभी जल्दी से हम इसको अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस, हमने इसका बबल रैप तो निकाल लिया एंड अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और मैं आपको बता दूं, ये 30 से ज़्यादा एक्टिविटीज कर सकते हैं। लाइक अब जैसे कि आप इधर देख भी सकते होगे, इधर लिखा भी है। और ये कुछ स्किन्स वगैरह भी होते हैं इसके साथ एंड ये बहुत अच्छी कोडिंग कर सकता है। ये मैं से वेदर का भी बता सकते हैं एंड डिस्प्ले भी इसमें, अगर मैं आपको बताऊं तो। और गाइस, इसमें हम अपनी खुद की गेम्स भी कोड कर सकते हैं, और जैसे कि इधर लिखा भी है एंड इधर हम एज यूजुअल फन एनिमेशंस भी बना सकते हैं जैसा कि इधर लिखा है एंड इवन से हम कूल रोबोट्स भी बना सकते हैं जैसा कि एज यूजुअल इधर लिखा है। एंड इसमें तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह तो कर सकते हैं एंड ये लाइन फॉलोइंग भी करते हैं इवन से, और हमें पूरा खुद बनाना होता है ड्राइंग पूरा खुद स्क्रू वगैरह से। और मैं आपको बता दूँ, इसमें AI भी है और इसमें हम इंटरेक्ट और सेंस भी कर सकते हैं और हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि इधर। और लिखा है एंड गाइस अब निकाल लेते हैं इसका एक कवर एंड गाइस ये अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है और कवर भी हम हटा लेते हैं तो ये देखो अरे कीची एंड क्यू मिली इसके साथ मुझे तो समझ नहीं आ रहा है एंड ये है अपना मेन वर्क का असेंबली बोर्ड। मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ एंड गाइस, वेरी इसकी बैटरी एंड ये अपना रोबोट रोबोट के पास ही बैटरी को भी रख देते हैं एंड अभी ये गत्ता भी हम निकाल देते हैं। अगर गत्ता निकालने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये इसकी USB कनेक्टिंग केबल एंड जस्ट ऑफ पैकिंग तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करके दिए, क्लिप वगैरह ऐसे पैकिंग तो नॉर्मल ही करके दिए। और ये USB केबल इसलिए क्योंकि इससे हम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करके कोडिंग कर सकते हैं और इसमें बैटरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये स्क्रू ड्राइवर स्टार्टशिप और ये स्किन्स वगैरह लाइक बैटरीज वगैरह को जोड़ने का, और ये है स्किन। और आपको मैं अगर बताऊं, ये है नेट बॉल्स तो कुछ ज़्यादा ही नहीं दे थी इन्होंने, मैं मजाक नहीं कर रहा, इतने ही होते हैं। एंड ये मेन लाइन फॉलोइंग का पैड कार्ड वगैरह भी है इसमें, अब इसको बिछा के देख लेते हैं। एस टॉल ये कुछ ऐसा दिख रहे एंड एस टॉल का मीनिंग मुझे नहीं पता। इसमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड बाकी इसका ये बाकी पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। ये जस्ट मैं आपको भी रख के भी दिखा देता हूँ, क्वार्की क्वार्की जब सीधा जाएगा और फिर मुड़ेगा, फिर हल्का से सीधा जाएगा मुड़ेगा और फिर मुड़ के, और ये AI की मदद से भी लाइन फॉलोइंग करता है जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें ये भी है एंड इसके साथ ये कुछ चीज़ें जो कि लाइन फॉलोइंग वाले चार्ट पे आई है। एंड गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।